वहीं भाजपा के मोर आवास मोर अधिकार अभियान के अंतर्गत 15 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम के विषय में मोर आवास मोर अधिकार अभियान के सरगुजा संभाग प्रभारी भारत सिंह सिसोदिया ने संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और प्रेस को संबोधित करते हुए मोर आवास मोर अधिकार के संभाग प्रभारी भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए छत्तीसगढ़ में 12 लाख हितग्राही प्रतीक्षा सूची में हैं जो कि आवास से वंचित हैं। इन वंचितों की आवाज बनकर इनके हक को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने तय किया है कि 15 मार्च को 1 लाख से अधिक वंचित हितग्राहियों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन बन चुका है। गरीबों के आवास को लेकर के हम सब लोग जब गांव में गए तो हम लोगों को समझ में आया कि सभी गरीब जो वंचित हितग्राही है उनको अपने अधिकार के प्रति वो लोग जागरूक हैं। उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने फॉर्म हम लोगों के साथ भर करके अपना आवेदन हम लोगों को दिया है। मुख्यमंत्री जी को आने वाले 15 तारीख को विधानसभा का घेराव करके हम सब लोग हर एक पंचायत से कम 10 वंचित हितग्राही जाएंगे और बड़ी संख्या में जा करके 1 लाख से ज्यादा लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे। और आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस मुद्दे को उठाती रही है, चुनाव नजदीक है, अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे को बीजेपी भुनाना चाहते हैं। अधिक जानकारी के साथ रोमी जुड़ गए हैं सहयोगी हमारे साथ। रोमी, जिस तरह से अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास ज्यादा मुद्दे नहीं है, उनमें से एक मुद्दा ये जरूर है कि जो आवास की राशि थी वो सरकार की वजह से लैप्स हो गई और वंचित रह गए कुछ लोग जिन्हें आवास मिलना चाहिए था, और ये मुद्दा काफी समय से 6 या 1 साल से बीजेपी लगातार उठाती रही है। अब इस अभियान से क्या वाकई बीजेपी को जो वेंटिलेटर पे है छत्तीसगढ़ में उसको ऑक्सीजन मिलेगी? देखिए दीपक जी, बताना चाहूंगा कि खासतौर पर गरीबों का जो आवास योजना है मोर आवास मोर अधिकार, भाजपा लोग जो मुद्दा लेके अभी आई है, ये अपने स्तर पर सर्वे कराए हैं। सर्वे में काफी संख्या में ग्रामीण हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं, जो इनके पास घर नहीं है, वो भाजपा से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जुड़े हुए हैं और भाजपा इस मुद्दे को लेकर 15 मार्च को विधानसभा घेराव करेगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुद्दा आने वाले समय के लिए या कहीं चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसी जो 12 लाख का जो आंकड़ा दिया गया, इसी पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज भी कसा था बीजेपी पर कि आपने जनगणना तो 2011 से नहीं कराई, फिर ये 12 लाख हितग्राही अभी बचे हुए हैं, ये आपने कहां से आंकड़ा निकाला? इस पर बीजेपी का क्या कुछ कहना? दीपक जी, बताना चाहूंगा कि ये 12 लाख का आंकड़ा पूर्व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा इस्तीफा से पूर्व बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 8 लाख आवास पेंडिंग पड़े हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में 4 लाख। तो ये एक आंकड़ा खुद पूर्व मंत्री के द्वारा दिया गया था, तो भाजपा उस आंकड़े को लेकर चल रही है। और अभी बजट में जो बजट नया पेश किया है 3200 करोड़ रुपए का घर बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार के द्वारा बताया गया है, इसके साथ ही नया सर्वे करने की बात किया जा रहा था। इस मुद्दे को भी लेकर भाजपा सीधे तौर पर फ्रंट पे खेल रही है कि सर्वे नया सर्वे करने की क्या जरूरत है। जी दीपक जी बिल्कुल, जिस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है, जो हितग्राही हैं जिन्हें वंचित हो गए हैं, आवास नहीं मिला, उन्हें लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा, क्या ये कितना अभियान जो इसकी तैयारियां चल रही हैं, क्या लग रहा है कि सफल हो पाएगा? देखिए, भाजपा के नेताओं का कहना है कि लगभग 1 लाख पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से लोग रायपुर पहुंचेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा, देखिए इनके पास कोई ठोस मुद्दा तो है नहीं छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव के लिए, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा को लेकर ये अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करके और ग्रामीण को लेकर जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे आंदोलन को बड़े रूप देंगे। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए रोमी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी रोमी, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को बनाना चाहती है, जाहिर है बीजेपी के लिए मुद्दा बनाना बहुत जरूरी है, चुनावी साल है और बीजेपी को कुछ ना कुछ माइलेज लेने की जरूरत है, इसलिए इस अभियान को बड़ा रूप देकर इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश।